मंगलमात्रि स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इट्स ब्लॉक टू ज्योग्राफी। इट्स द पार्ट नंबर 5। इन दिस पार्ट वी अंडरस्टैंड दैट द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, स्पेशली द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। वी नो दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, tools and a different type of equipment which used in other industries. So we say that steel and iron industry is the basic industry and key industry. So mineral based industry mein iron aur steel industry ko basic industry kaha hai kyunki ye dusri industries ko रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जितनी भी अदर इंडस्ट्रीज हैं, अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री। कुछ एग्जांपल आप भी सोचिए, कुछ एग्जांपल आप वैसे सोचिए जिसमें यह पता लगे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री है, चाहे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, दे ऑल ऑफ डिपेंड ऑन स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, बिकॉज स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री प्रोवाइड द मशीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन इंडिया द रैंक ऑफ स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री इज 9th पोजिशन। इट्स वेरी गुड। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड वी प्रोड्यूस स्टील एंड वी आर इन 9th पोजिशन टू प्रोड्यूस द क्रूड स्टील, यानी कच्चा हम जो स्टील तैयार करते हैं उसमें हम दुनिया में 9th पोजिशन पर हैं। आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, द एग्जामिनर आस्क द क्वेश्चन रेगुलरली इन डिफरेंट एग्जाम, व्हाई द स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड इन छोटा नागपुर प्लेटू, द एरिया छोटा नागपुर। इसको हम ऐसे समझे कि क्या कारण है कि स्टील और आयरन इंडस्ट्री ज्यादातर कहां है, छोटा नागपुर में है। जैसे एक जगह पड़ती है, नाम सुना होगा आपने, बोकारो स्टील प्लांट। एक है आपका जमशेदजी टाटा ने जो प्लांट लगा था, टाटा स्टील एंड आयरन प्लांट। ये जो प्लांट है ये सारे छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास है। यदि हम इसको इंडिया के मैप में देखें तो ये एरिया स्टील एंड आयरन प्लांट का है। क्या कारण है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीजन, गिव द रीजन व्हाई द स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड इन छोटा नागपुर। तो आंसर हमारा होता है लो कॉस्ट आयरन ओर, क्योंकि ये एरिया जो है यहां पर हमें आयरन अवेलेबल हो जाता है, आयरन ओर अवेलेबल हो जाता है। और हम जानते हैं कि फैक्ट्रियां वहीं लगती हैं, इंडस्ट्रीज वहीं सेटअप होती हैं जहां उनको सबसे पहले इजिली रॉ मटीरियल अवेलेबल हो जाए। माइंड मैप बनाइएगा, आप ये देखिएगा चाहे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में शुगर इंडस्ट्री हो, कॉटन इंडस्ट्री हो, जूट इंडस्ट्री हो, जो भी इंडस्ट्री है सबसे पहले एस्टेब्लिश वहां होगी जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, यानी कि उसको यहां स्टील आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन और अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आता है हाई ग्रेड रॉ मटेरियल। स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है कि एनर्जी कैसे, जो स्टील को आयरन को मेल्ट करना होता है उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए ये इलाका जो है छोटा नागपुर का, यहां पर कोल के डिपॉजिट्स हैं जिसकी हेल्प से एनर्जी क्रिएट की जाती है और मेल्ट किया जाता है स्टील को। तो इसका ये फायदा हुआ छोटा नागपुर के पास, एक तो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, दूसरा वो रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है जिसके द्वारा स्टील और आयरन बनाया जाएगा, साफ किया जाएगा। उसके बाद आता है चीप लेबर। द एरिया बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। सो इन दिस एरिया द पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई, सो चीप लेबर अवेलेबल इन दिस एरिया। हम यहां बात कर रहे हैं छोटा नागपुर प्लेटू में क्यों कंसंट्रेटेड है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल अवेलेबल है, रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी अवेलेबल है, जैसे कोल, और चीप लेबर है। और आखिरी बात आती है मार्केट।
बाजार। आप सोचेंगे बाजार से मतलब है कि जैसे हम अपने कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, मार्केट अवेलेबल है, लेकिन स्टील आयरन इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होगा वो हैवी और बल्की होगा, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत होगी, साथ में बड़े बाजारों की जरूरत होगी। और ये यहां जो है, यहां कोलकाता है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल, और कोलकाता से बहुत नजदीक है छोटा नागपुर का, जो ये स्टील आयरन प्लांट्स जितने भी लगे हुए हैं, और यहां से बे ऑफ बंगाल के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है स्टील एंड आयरन को। सो देयर आर सम फैक्टर व्हिच रिप्रेजेंट व्हाई द स्टील एंड आयरन प्लांट कंसंट्रेटेड इन छोटा नागपुर प्लेटू। अगर हम यहां एक और बात कहें कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही होगी स्टील आयरन इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री, तो आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, वो कॉमन है। पहली ये है पावर सप्लाई की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम। दूसरी है बेटर ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम। तीसरी है लो आउटपुट ऑफ लेबर, जो लेबर है उसको केवल पता होता है कि मेरे काम के घंटे निश्चित है, मुझे इस घंटों में काम करना है, उसको ये निश्चित नहीं है कि इस इतने घंटों में इतना काम करना है, यानी लो आउटपुट ऑफ लेबर, इररेगुलर पावर सप्लाई, और उसके बाद अगर हम कहें तो बेसिक फैसिलिटी की प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है, और ये हर एक इंडस्ट्री के साथ है। इसीलिए इंडस्ट्रीज भारत में बहुत धीरे धीरे आगे ग्रो कर रही हैं। ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए तो ये इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ सकती है। आज हमने बात की स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री की। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।